लोग आज हम लोग महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस क्या है इस, आप आधुनिक महिला दिवस क्यों है, क्यों मनाया जाता है, इसके लिए जेनिफर आपको बताएंगी, उमा जी ट्रांसलेशन करेंगी। Happy Women's Day. आप भी बोलिए, सेम टू यू। Thank you so much for having me. So, the first International Women's Day occurred on March 19th in 1911. Yeah. कहने की पहली बार जब महिला दिवस 1911 मनाया गया था। पता नहीं क्या हुआ। The inaugural event included rallies, organized meetings, and was such a big success in countries such as Austria, Denmark, Germany, and Switzerland. यानी कि ऑस्ट्रिया एक देश है, जर्मनी है, डेनमार्क है, इन सब देशों में रैली करके और मीटिंग करके इसको मनाया जाता है। The day March 19th was chosen because the day the Prussian king promised to introduce votes for women in 1848 for equality, but it failed to keep. इस दिन को इसे चुना गया क्योंकि एक राजा थे जो कि महिलाओं के लिए काम करते थे, उन्होंने इस दिन को चुना। The International Women's Day was moved to March 8th in 1913. The UN drew global attention to women's careers in 1975. UN है, एक अमेरिका में एक बहुत बड़ी संस्था है, यूनाइटेड नेशन के नाम से संयुक्त राष्ट्र उसको बोलते हैं, तो उसने इसकी तरफ महिला दिवस की ओर 1975 में काम करना शुरू किया। तब से इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। थैंक यू जेनिफर। धन्यवाद जेनिफर और रूमा के लिए, ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा। आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आप देख रही है हमारे साथ भेदभाव। अगर कहीं किसी महिला के पास अगर लड़कियां पैदा होती है तो उसे किस हीनता से देखा जाता है कि महिलाएं मतलब बच्चे करने की मशीन है। अगर लड़का ना हो तब भी हमें दुख, लड़कियां हो तब भी दुख। और दूसरा देखा जाता है कि महिलाएं सबसे ज्यादा आजकल देख रही है ना कि महिलाएं सबसे आगे निकल रही है। कोई महिलाएं हवाई जहाज चला रही है, रेलगाड़ी चला रही है, और महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी, पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमें वोट देने का अधिकार है, हम वोट दे सकते हैं। आपको लगता नहीं कि हम लोग अभी भी पिछड़े हुए, जब हम लोग काम करते हैं घरेलू, हम काम करने जाते हैं, हमें किसहीनता से देखा जाता है। देखा होगा कि हमें पानी नहीं पीना है, आपका बर्तन अलग रखिए, आप किचन में चप्पल पहन के नहीं जाइए, हम बाथरूम का, हमें बाथरूम धो रहे, हमें किचन साफ कर रहे, हमें पोछा लगा रहे, हमसे बोला जा रहा है कि आप बाहर से पानी पीजिए, आप अंदर मत आइए। दूसरा है कि हमें ये कहा जाता है कि आप कौन से जाति के हो, पूछा जाता है ना, आप अगर छोटी जाति बता दिया तो हमें काम मिलना बंद, काम नहीं मिलेगा, हमें बताना पड़ेगा, मजबूरन झूठ बोल के काम करना पड़ेगा, जी मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन लोग समाज में बोलेंगे अच्छा ब्राह्मण घरों में काम करता है, लेकिन नहीं, हम जो काम कर रहे हैं घरेलू कामगार, ये भी काम है। झाड़ू पोछा बर्तन कोई चोरी तो नहीं है ना समाज में, इसके लिए भी एक देखा जाए कि घरेलू कामगार एक दर्जा है, इसके लिए हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं कि इसको भी काम का सम्मान मिलना चाहिए। हमारे बीच में जन सुनवाई इसी बात पे होगी कि हमें किस तरह से हमें देखा जाता है, और काम करने के दौरान हमें हमारे साथ क्या समस्या होती है। तो हमारे बीच में कौन कौन उपलब्ध है वो अपनी बात रखेंगे। मेरा नाम गोमती है, मैं मध्य प्रदेश छतरपुर की रहने वाली हूँ। मेरे को 20 साल हो गए हैं, रोहिणी है, 9 सेक्टर में काम करती घरेलू काम, झाड़ू पोछे बर्तन का। और का नाम, मैं जब से इधर इसमें मतलब यूनियन से मिली हूँ तो मेरे को तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। पहले तो बस झाड़ू पोछे बर्तन, घड़ी देखते हैं, उठते हैं तो घड़ी देखते हैं, मंजन करते बस काम करने भागते जाते हैं। छुट्टियाँ मांगे तो छुट्टियों के लिए कहने लगे क्या करेगी, क्या तू घर में सज के बैठेगी। हमने कही कि नहीं, त्योहार है हमारे घर में तो ना छुट्टियाँ ना दें तो कोई बात नहीं, काम करके यहाँ फिर अपना त्योहार मनाए। और जब से हम इसमें यूनियन में मिल गए हैं तो हम तो बस बहुत खुश हैं, क्योंकि छुट्टी लेने के लिए उनसे बोलते हैं कि हम आज, मैंने परसों बोला था,
तू कहा कह रही है कि तू ऐसा करना कि हमारा दोनों टाइम का काम कर जा और सब्जियां बना जा, एक दाल एक सब्जी बना के जा। मैंने कि नहीं मैं शाम की नहीं आऊंगी। तो कह रही नहीं ऐसे नहीं होता गोमती। फिर क्या हुआ तू हरदम ऐसे कहने लगती के अभी कह रही थी त्योहार है, फिर कह रही शादी है, अब कह रही है कि हमारी उधर 8 मार्च को मतलब वो मीटिंग होना है। तो तेरी कौन सी मीटिंग है आज? मेरे से कह मेरे से लिखवा के ले आना था, कहाँ हो रही है मीटिंग? मैंने कहा कि भाई हमारी मीटिंग मतलब घरेलू कामगार की मीटिंग हमारी होती है, यूनियन से हम जुड़े हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, तुम्हारी भी होती। मैंने कहा एक बार तुम चल के बरौन सोसाइटी के पीछे देख ना पा रहा कि मीटिंग हमारी होती है। तो कह रही अच्छा ठीक है। तो फिर बस कह रहे कि जाओ तो आ जाना जल्दी काम करने के लिए। आएगी कि नहीं? मैं कि हाँ मैं नहीं आऊंगी। मेरे को तो इधर जब से मैं आने लगी मेरे को कोई डर भी नहीं लगता है और बस विश्वास के ऊपर मैं ये इसमें टिकी हूँ कि यूनियन से जब से मिल गई हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जो छुट्टी भी दे देती हैं और अब मैं डर के काम नहीं करती हूँ और जो बोलने हैं तो मैं बोल देती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम है लीला, मैं राजापुर से आई हूँ। मेरा तो घर है बिहार। ठीक, अब आप लोग से यूनियन में जुड़ी हूँ। अब यही है काम तो करते करते हम लोग की इतना उम्र हो गई, कुछ भी होता नहीं, बस वही झाड़ू पोछा बर्तन करो, ना रेट ना मजदूरी ना कुछ करो ना कुछ भी नहीं। अब छुट्टी करो तो छुट्टी के नावे छुट्टी मिलता नहीं। अब छुट्टी करो तो छुट्टी मिलता नहीं, कहाँ जाओगे कहाँ करोगे ना को सवाल करते हैं लोग। आज बड़ी मुश्किल से आधा बेरा से छुट्टी मिले हैं। नमस्ते, मेरा नाम माया थापा, मैं सेक्टर 9 राजापुर गांव से आई हूँ। मैं भी घरेली काम काज में यूनियन में जुड़ी हूँ। थाने में तो थाने में जब चोरी वगैरह होता है तो मैं यूनियन का नाम लेके जाती हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा अपना हौसला मिलता है कि यहाँ पे यूनियन से आए हैं। थोड़ा इज्जत भी मिलती है पुलिस स्टेशन में जाके कि हाँ ये यूनियन से जुड़ी है। तो कुछ बात जो चोरी की जब लगा तो उनसे भी बात करने के मौका दिया जाता है कि हाँ क्या बात करनी है, अंदर भी जाने का ना बात कर सकते हैं। ऐसे भी हमारी इनके भाभी की भी 3 लाख की चोरी की इंजाम लगाया था। ये डीसी चौक में पुलिस ने 3-4 दिन पीटा मारी हुई थी, तो पीटा मारी हुई घर भी तलाश लिया बिना उसके इंक्वायरी करके लिया। तो पुलिस में जाके मार पिटाई की इन लोग की इनकी भाभी को। फिर 3-4 दिन हो गए मुझे तो नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 5-6 दिन के बाद बोला कि माया तू आ जा यहाँ पे, ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को चोरी का इंजाम लगा दिया है, मैं पुलिस स्टेशन में तू आ जा। फिर मैं गई एक उधर, एक मेरी अम्मा है उनको लेके गए, तो वहाँ पे थोड़ा पुलिस से बात हो गई। तो क्या बात हुई क्या नहीं हुई, तो पुलिस ने बोला कि क्या कहाँ से आई हो, तो मैं कहीं यूनियन से आई हूँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या बात करना चाहती हूँ? मैंने कहा किस बात में? तो उसने चोरी का इंजाम लगाया, तो उसने बोला कि हाँ घर पे 3 लाख रुपए चोरी का इंजाम लगाया उसने। अक्टूबर में चोरी हुआ था, तो उसने दिसंबर को 15 तारीख को तब उसने इंजाम लगाया कि 1 महीने पहले काम छोड़ा तब जाके इसने चोरी किया। तो चोरी काम छोड़ने के बाद वो चोरी कैसे कर सकती है, क्योंकि घर पे ऐसा नहीं है कि उसके पास तो चाबी देके नहीं होगी कि रूम पे जाके चोरी करेगी। तो फिर वहीं पे जाके थोड़ा बहसबाजी हुई पुलिस से, तो थोड़ा आताबाई भी हो गई थी, तो मेरे से 3 घंटे वहाँ पे रखा था 3 घंटे तक पुलिस चौकी तो रखा था। थोड़ा पुलिस ने थोड़ा आतापाई हो गए थे, तो लेडीज का हाथ उठा रहे थे, मैंने हाथ रोक दिया था पुलिस के होता, फिर पुलिस के ऊपर मेरा हाथ उड़ गया। तो उसी चक्कर में मेरे को 3 घंटे ऊपर रखा छत पे खाली पैर, ठंडी का टाइम था खाली पैर रखा। तो मेरे को 3 घंटे के बाद तो मुझे छोड़ दिया। तो मैडम लोग को बुलाया मैंने, कहा कहाँ पे तूने गहने रखा था, कहाँ पैसे रखा था, कि तूने बताया था कि इसको पैसे कहाँ रखा था कहाँ नहीं रखा था बताया। तो उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं बताया इसको, नहीं चोरी इसी ने किया। मैंने कहा तेरा पास क्या सबूत है इसने चोरी किया? तो उसने बताया था सबूत है इसी ने चोरी किया। मैंने कहा तू चोरी का सबूत दिखा दे, हम भी साबित कर देंगे हाँ इसने चोरी किया। तो उसने सबूत नहीं है, तो बाद में जाके मैंने उसको पति पे विश्वास किया, तो उससे भी विश्वास किया। तो उसके पति ने उसका पति ने चोरी किया, घर के पति ने उसका पति ने चोरी किया। तो उसके पहले काम वाले के ऊपर शक गया कि हाँ काम वाले ने चोरी किया, मेरे घर वाले ऐसे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि काम वाले ने चोरी किया। इसलिए कि कोठी में जब हम काम करते हैं तो कुछ होता है तो समन सबसे पहला नाम काम वाले के ऊपर आता है। कुछ भी खोजा तभी भी मैं कोठी में काम नहीं करती, मुझे इतना अंदाज है। कुछ भी चोरी होता है तो पहला नाम काम वाले के ऊपर आता है।
कुछ भी घर पे अगर ये नहीं कि घर के बंदे भी कुछ कर सकते हैं बाहर के लिए, तो आदमी ऐसा गलत निकला कि वो किसी बाहर लेडीज के ऊपर पैसे खर्चा करता था इसे घर पे चोरी करके, कुछ नहीं होता। तब जाके उसको हमने बताया कि हाँ भाई किसी बात में ऐसे इंजाम लगा, फिर उसके साथ थोड़ा बहुत भेषबाज हुई मालिक के साथ भी कि ऐसे क्यों किया। तो बाद में जाके उसने बताया कि हाँ मैं बाहर ऐसे लड़की के ऊपर मैं पानी पैसे फेंकता था, मैं चुरा चुरा गया। तब जाके वो मैडम को मैंने बुला के देख, जिसको काम वाली के ऊपर चोरी का इंजाम लगा रहे पहले घर पे देखना अपना हाल क्या हो रहा है, घर अपना घर संभाल तब काम वाली के ऊपर चोरी का इंजाम लगा। तो क्या रे नहीं इसी ने चोरी किया, उसे मेरे का अपने पति के सामने खड़ा था मेरे से बात करा उससे, फिर उसके बाद उसकी भैंसबाज हुई बार बार, तो बोल रहा था मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया। फिर बाद में जाके मैंने उसको यहाँ से बाल किया तो बोला कि हाँ सब कुछ मैंने लिया, पैसे गहने मैंने लिया है, मैंने दूसरी औरत को दिया है, मेरी बीबी मायके जाती थी इधर जाती थी तो मैं उसके ऊपर मैं पैसे खर्चा करता था। तब जाके उसने बोला कि हाँ इसने चोरी नहीं किया, उसने मैडम ने भी बोला हाँ इसने चोरी नहीं किया, जो किया मेरे पति ने किया है, तो मैं इसका सजा नहीं, सजा तुम नहीं दिलाओगे सजा हम तुम्हें दिलाएंगे। हमारे बीच में नीली आलम है कि किस तरह से यूनियन में जुड़ने से बहुत संघर्ष करना पड़ा है नीली को, कोर्ट में केस दर्ज होने के बावजूद इन्होंने एक लड़ाई जीती है, वो अपनी लड़ाई बताएंगी। मुझे कोर्ट कचहरी के बारे में बिल्कुल नहीं कुछ पता था, मुझे किसी ने फोन नंबर दिया, इनको बुलाया, इन्होंने सब बताया और इनकी हेल्प से मुझे बहुत कुछ मिला है, केस जीती हूँ, पैसे भी इनके कारण से मुझे मिला, इनके कारण से मुझे पैसे मिला 2 लाख मेरे कारण नहीं। मेरा नाम आशा है, मैं यूनियन सदस्य से जुड़ी हुई हूँ। यूनियन में जुड़ने से बहुत हिम्मत मिलती है, पहले तो हम किसी के सामने बोल नहीं पाते थे, अब तो सबसे लड़ लेते हैं छुट्टी के लिए पैसे के लिए सबसे लड़ लेते हैं, अब इतना डरते नहीं है, नहीं तो पहले तो हम किसी के सामने बोल ही नहीं पाते थे। यूनियन में जुड़ने से फायदा है, सबसे अंदर से हिम्मत तेरे हाँ हमारी कुछ है, नहीं तो हम तो सोचते थे बस काम करते, हमारे कोई कीमत ही नहीं है। मैं मध्य थापा हूँ, मैं राजापुर में रहती हूँ। जब नोटबंदी हुआ था तो पता लग रहा था सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे को मिला, क्योंकि एक तो घरेलू काम था, ऊपर से मेरा घर में भी काम था, तो मैं सुबह 6 बजे लेन लगती थी, 12 बजे बोलता था सर पैसे नहीं है, फिर वापस आना पड़ता था। उस टाइम मेरा ननद का जो बेटा था वो गुजर गया था, वहाँ भी जाना पड़ रहा था, सोसाइटी वाली से मांगता हूँ तो बोलता है कि पुराना नोट ले ले, अब पुराना नोट लेके मैं क्या करूँगी। फिर उसके बाद फिर सोसाइटी वाले ने एडवांस दिया था मेरे को 1000 रुपया, उसमें से एक नकली नोट निकला और मैं बस वाला को दिया नकली नोट, तो वहाँ पे बगल में पुलिस था, उसने क्या क्या नोट देखा फाड़ दिया, अब मेरा 500 का नोट तो गया। अब वही यही बात मैं सोसाइटी वाली को बोली तो बोलता है कि मैंने तो नहीं दिया, अब बल्कि दिया था उसी ने, और उसके बाद फिर मेरा 2 घर भी छूट गया ये नोटबंदी में, और उसके बाद मेरे को 3 महीने का किराया मेरे को इकट्ठा देना पड़ा, 3 महीने का किराया मतलब कि इकट्ठा देना पड़ा, और अभी भी मेरा कर्जा पड़ा हुआ है देने के लिए। तो मेरे को डर लगता है सबसे मुश्किल मेरे को ही लगा, घर भी देखो बन भी देखो दुकान भी देखो, और उस टाइम मेरा आदमी था नहीं, उस टाइम मेरा आदमी वहाँ गया था मतलब कि राजस्थान गया था, मेरी ननद लंग गई थी तो मैं अकेली थी, उधर बच्चे लोग को स्कूल भी जाना पड़ता था तो उसका भी तैयारी करना पड़ता था। फिर एक दिन तो मैं 5 बजे लेन में लगी, 5 बजे भी मैं सोची मिल जाएगा, 4 बजे मुख जीना का यहाँ पे आते बस बोला पैसे खत्म। तो मेरे को सबसे ज्यादा लगता है मेरे को मुश्किल हुआ इसमें। किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए कुछ नहीं है, जब अपनी मेहनत होती है अपने काम होते हैं, चाहे वो कोर्ट का है चाहे वो कचहरी का है चाहे कहीं का भी है, अगर कोई डरता नहीं है तो आराम से रास्ता मिलती जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी लड़की को कुछ हुआ उसको हमने बोला चल हमारे साथ, उसने जाने से मना कर दिया, क्यों मना कर दिया, उसके घर के खा जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मुझे लोग बोलेंगे ये बोलेंगे वो बोलेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं होता तू चल, गई भी से लौट आई, उसके आगे वो गई नहीं है, फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई आगे नहीं बढ़ेगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अगर साथ मिलके 4 लोग हमारे साथ चलते हैं तो हमें कोई डर नहीं है, कोई किसी से हमें डर नहीं लगना चाहिए। पूनम दीदी ये कहना चाह रही है कि हमारी जो लड़ाई है हमारे साथ अगर कोई हादसा होता है तो हमें तुरंत उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे समाज कुछ भी बोले लोग कुछ भी बोले हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम नीली जैसे
डरे रहते, माया जैसे डरे रहते तो क्या हम अपनी लड़ाई लड़ सकते थे? आप बताइए, क्या लड़ सकते थे? तो इसी तरह हम अपनी लड़ाई को जारी रखें और लड़ते रहें।